हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करा है? प्रूव दैट, यहाँ पे देखिए इसके फर्स्ट नंबर से हमें इसे प्रूव करना है। इसके लिए इसमें देखिए दिया है कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस 70 डिग्री इक्वल टू में 3/16। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। एनएचएस इसका ये ले लेते हैं, कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ सेट करना होगा। इसे हम लोग यहाँ पर कॉस 30 को अलग कर लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, ठीक है। कॉस 10 डिग्री यहाँ इंटू देते हैं और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस 70 डिग्री कॉस 50 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ कॉस 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू कॉस 10 डिग्री इंटू 1/2, ये ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर फॉर्मूला का दो 2cos A cos B का, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 2cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A + B और फिर प्लस में cos A - B। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर कॉस यहाँ पर 120 डिग्री और प्लस में कॉस 20 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 कॉस 10 डिग्री। अच्छा, इसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कॉस कॉस यहाँ 180 और माइनस का 60 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। चलिए √3/4 कॉस 10 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस का कॉस 20 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे आगे हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 कॉस 10 डिग्री यहाँ पर इंटू में कॉस 20 डिग्री और माइनस इसका वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3/4 अंदर यहाँ हो जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस 1/2 कॉस 10 डिग्री। यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, √3/4 यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, और -1/2 कॉस 10 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। √3/4 ब्रैकेट के अंदर होगा 1/2, यहाँ आ जाएगा आपका वे भाई 2cos A cos B का cos A + B और प्लस cos A - B, तो यानी आ जाएगा कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 10 डिग्री -1/2 कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, √3/4 यहाँ देखिए क्या होगा, 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, √3/2 और प्लस कॉस 10 डिग्री -1/2 कॉस 10 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4 प्लस का 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस का 1/2 कॉस 10 डिग्री, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16, यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए।